गाइस, आज हम बात करेंगे अल्टो VX गाड़ी के बारे में, जो कि तीन सिलेंडर गाड़ी है। एंड गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम थी, इसके RPM हाई जा रहे थे गाड़ी के अंदर और गाड़ी हमारी भाग नहीं पा रही थी। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको कि हमारी कोई सी भी गाड़ी हो एंड क्लच प्लेट का हम कैसे पता करें डाउन हो गई है क्या है। दरअसल गाड़ी का अगर पिकअप डाउन होगा तो गाड़ी में हमें ऐसा महसूस होगा गाड़ी के RPM हाई जाएंगे पर गाड़ी भागेगी नहीं, गाड़ी का पिकअप भी बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। तो गाइस, मैं इस कार की स्टेप बाय स्टेप फिटिंग ओपन कर लेता हूँ, तो चले फिटिंग खोलते हैं इसकी। तो गाइस, ये है हमारी अल्टो VX i पेट्रोल इंजन। तो गाइस, इसकी हम स्टेप बाय स्टेप फिटिंग खोलेंगे। एंड गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं कुछ आपको बहुत ज़रूरी बातें बताऊँगा जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस, आप देख सकते हैं इसका मैंने गेयरबॉक्स उतार लिया है एंड आप फ्लाईव्हील देख सकते हैं, फ्लाईव्हील पे कितने हीट के निशान हैं। ये रेक माल से अच्छे से पॉलिश कर देंगे हम इसको। तो गाइस, इधर देख सकते हैं इसकी गेयरबॉक्स की मैं पेट्रोल से धुलाई कर रहा हूँ एंड गेयरबॉक्स को अच्छे से फिटिंग कर देंगे। तो गाइस, मैं आपको क्लच प्लेट के बारे में कुछ बात बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसकी ये पुरानी क्लच प्लेट है एंड पुरानी क्लच प्लेट पे रिपीट भी खींच चुके हैं गाइस, जिसके कारण इसकी लेंथ कम होने के कारण ब्रेक सूखी और गाड़ी जो है हमारी बार बार क्लच प्लेट स्लिप मार रही थी एंड इंजन की स्पीड बढ़ रही थी और गाड़ी भाग नहीं पा रही थी इसके कारण। तो गाइस, आपके गाड़ी में ऐसी कोई ज़्यादा खास करके प्रॉब्लम नहीं आती है। तो गाइस, आपको ये न्यू क्लच प्लेट देख सकते हैं, न्यू क्लच प्लेट के अंदर कैसे ग्रिप है कट भी देख सकते हैं गाइस आप। ये पुरानी क्लच प्लेट बिल्कुल डेड हो चुकी है। तो गाइस, आपसे मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जैसे कि क्लच पे पैर रख के गाड़ी ना चलाए ज़्यादातर, जैसे कि हमने गियर डाला तो गाड़ी का क्लच छोड़ दो, उसका बार पे उसके ऊपर बार बार पैर मत ना रखो। एंड इसके अंदर न्यू क्लच प्लेट क्लच बेयरिंग टॉप अप करके और गियर बक्सों को हम फिट करेंगे। और गाइस, आपको मैं बता देता हूँ, इसकी मैंने क्लच प्लेट फिट कर ली है, प्रेशर प्लेट भी और न्यू गियर ऑयल इसके अंदर हम टॉप अप कर देंगे गाड़ी के अंदर गाइस। एंड आपको इसका गाइस, आपको सेंटर साइडों में से देख के आराम से क्लच प्लेट फिट कर देना है एंड गाड़ी स्टार्ट कर देंगे। एंड गाड़ी भाग भी नहीं पा रही। तो गाड़ी में आपको बता देता हूँ, जैसे कि इंजन की स्पीड ज़्यादा बढ़ रही है एंड गाड़ी भाग नहीं पा रही है, गाड़ी का पिकअप भी बहुत ज़्यादा स्लो है। तो गाइस, इस गाड़ी की क्लच प्लेट डाउन है एंड गाइस, के सीरीज के स्विफ्ट के पेट्रोल इंजन जितने भी गाड़ी के अक्सर पेट्रोल इंजन होते हैं उनकी क्लच प्लेट अगर डाउन होने लगती है तो गाइस क्या होता है, क्लच प्लेट हमारी स्लिप मारती है तो गाड़ी भाग नहीं पाती है, उस टाइप से पिकअप नहीं दे पाती है जैसे कि क्लच प्लेट।